बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड 3D मॉडलिंग उसमें बनाने वाले हैं, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये मेरे पास जो ब्लेंडर का वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ वो 3.2 है। आप जो भी यूज़ करें कोई बात नहीं, इसके लिए इस 3.0 इस जो आज वाला जो है ना, अभी वाला यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई भी ब्लेंडर का वर्जन यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर मैंने वो यूज किया तो फिर आपको 3.2 यूज करना पड़ेगा। पेन टूल, जो पेन टूल से हमने पैप बनाना होता है, वो यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ, कहीं पे भी आ जाएगा। मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, सबसे पहले एन प्रेस करता हूँ। एन प्रेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन कॉस्ट की ऑन कर देता हूँ और एन प्रेस करके इसको क्लोज कर दूंगा, मिनिमाइज कर दूंगा। अब ये प्रेस करके सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट एक्स, प्रेस एक्स एंड डिलीट कर दिया सबको। अब मैंने क्या वन प्रेस किया, शिफ्ट ए। अब शिफ्ट ए के लिए आपके पास कोई चीज़ ऐड करनी है वो आई मैं, क्योंकि मैंने रेफरेंस इमेज ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस भी जाऊँगा और जो मैंने रखी है मैं रेफरेंस इमेज वो अपने फोल्डर में चला जाता हूँ। ये सारे मेरे 3D से रिलेटेड हैं। जो रैंडम प्रोडक्ट का एक फोल्डर है उसमें जाएंगे, रैंडम प्रोडक्ट, रैंडम मॉडलिंग, इसमें आ जाता है हमारे पास। ये पहले बना चुका हूँ और मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये आ गया। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भैया ये इसको डिस्टर्ब ना करे, तो मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा सिलेक्ट टेबल। अच्छी, इसको मैं यहाँ पे एक न्यू कलेक्शन राइट करके न्यू कलेक्शन, तो यहाँ पे मैं चीजें ऐड करता जाऊंगा। अब मैं सबसे पहले ये बनाना चाहता हूँ, एक क्यूब ऐड करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस क्यूब के लिए शिफ्ट ए, क्यूब, एंड मैं जाता हूँ टॉगल एक्स रे व्यू फॉर्म में, तो मैं जाता हूँ एडिट मोड में। तो चले कुछ करते हैं, पहले उससे निकल के पहले इसको मूव कराता हूँ। ये टू मूव ऑन एक्स एक्सिस, जी टू मूव ऑन, सॉरी हाइड हो गया है, एच प्रेस किया, हाइड हो गया, जी प्रेस करना था। जी टू मूव ऑन जेड एक्स लिटिल वेट, जी टू मूव ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा वो लगेगा अजीब सा, क्योंकि ये वो अच्छा देते हैं मटूरी में, इसलिए मैंने इसमें हूँ। कौन सा मोड है ये, वर्टेक्स, तो मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे करके नीचे ले आया, ये हमारा सही है। तो इसको भी जी टू मूव करके एक्स एक्स पे मूव कराना है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो जी टू मूव लिटिल बिट नीचे, ओके। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको या तो लूप कट ऐड करो या फिर आप, वो आपकी मर्जी है। मैं ये दो लूप कट ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर के लिए दो प्रेस किए तो एक ही प्रेस करके बेवल कर दूंगा। तो जी ठीक है ना, बेवल करके यहाँ पे लूप हो तो ये लूप हो गया। मैंने क्या करना है, फेस में जाना है, फेस में जाके कंट्रोल थ्री ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया, नीचे वाला एक मिनट पहले जाते हैं सॉलिड मोड भी, ये वाला फेस सेलेक्ट करके और ये वाला भी सेलेक्ट करके। तो एक मिनट, हमने क्योंकि और एक लूप कट भी डालना है। हम जाते हैं गूगल एक्सरे मोड में, वन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक लूप कट डालना है कंट्रोल आर, तो ये हो जाएगा हमारा। यहाँ एग्जैक्ट थोड़ा सा ऊपर करना है, कर लें आपकी मर्जी, आपके ये होगी। आप जाते हैं कलर मोड में, यहाँ ये फेस सेलेक्ट किया, थ्री में जाते हैं फेस सेलेक्ट किया, नीचे वाला फेस सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, और ये सेलेक्ट वाला भी फेस सेलेक्ट कर लेंगे। हम इसको डिलीट कर देंगे फेसेस। अब मैं चाहता हूँ भाई साहब ये जो ओपन है ना, ये क्लोज हो जाए इसको, तो हम जाते हैं वन वर्टेक्स ग्रुप में। मैं क्या करता हूँ, इनको सिलेक्ट करता हूँ, ये जो वर्टेक्स हैं तो फिल कर देता हूँ, एफ करके फिल
फेल कर देते हैं और ये भी यहाँ तक पहुंचे, ये भी फेल। इधर सेम इसी तरह हमने इसको भी करना है। अगर आप वैसे इमेज भी वो मिरर भी कर सकते हो, मिरर से मैंने नहीं किया तो ये हो जाएगा। फिल किया तो वन प्रेस किया, ये हमारा बन गया। उसको अगर आपने यहाँ पे वो ऐड करने हैं तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, अगर एक मिनट, एक और भी थोड़ा सा यहाँ पे भी हमने फिल करना है। वर्टेक्स ग्रुप में जाते हैं, ये नहीं, यहाँ से मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ ये फिल कर देते हैं, ये और ये हॉलो नजर ना, ये शिफ्ट के साथ, ताकि अगर शिफ्ट के साथ नहीं करेंगे तो पीछे वाले डिसलेक्ट होते जाएंगे तो, और ये रह गया। मैंने इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब आपको सही नजर आएगा, देखिए ये अब फिल हो गया, पहले खाली था तो वन, अब ये हो गया। अब मैंने ये एक सिलेंडर ऐड करके, ये सिलेंडर ऐड करें ये आपकी मर्जी है, या सर्कल करके उसको एक्सट्रूड कर देना है, ठीक है ना। सर्कल ऐड करके आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, तो उसके लिए सिलेंडर भी हो जाएगा, सिलेंडर से भी काम चल जाएगा। शिफ्ट ए, आप सिलेंडर करना है आपकी मर्जी, या सर्कल करना है आपकी मर्जी, डिपेंड अपॉन यू। मैं करता हूँ सर्कल, तो इसको थोड़ा सा मैं साइज इसका काम कर देता हूँ, 0.5 से नहीं 0.1 कर देते हैं। ठीक है, आप इसको जी मूव करते हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ आ गया। अब मैं इसको जी टू मूव जेड एक्सिस पे करता हूँ, तो ये थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं, तो जी टू मूव लिटिल बिल एक्स एक्सिस पे करते हैं और स्केल डाउन करते हैं, तो जी टू मूव लिटिल बिल एक्स एक्सिस पे, और आई थिंक ठीक है जी टू मूव जेड एक्सिस, ताकि हम नीचे अंदर ठीक है, ज़्यादा भी नहीं करते। एलियन मूव में जाते हैं, एक्सरे टेबल मूव में जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ ये फेल हो जाए। एक्सट्रूडन ई एक्सेस करता हूँ, ई एक्सेस एक्सट्रूड, अब ज़्यादा वो ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, जी कर देते हैं जेड एक्सेस, यहाँ देखते हैं ये फेल है या नहीं है, फेल फेल ही है। तो ये हो गया, तो हमने ये बना लिया है वन पहले तो मैं चाहता हूँ ये जो है ना ये वाला उसको थोड़ा बेवल कर दे, तो बी आपके मसला क्रिएट ना, इतना ही मैंने नीचे तो नजर ही नहीं आए, उसको करने की जरूरत नहीं है। अब एडिट मोड में जाएंगे, देखिए प्यारा सा, अगर आप इसको राइट क्लिक करके शेयर स्मूथ कर दें, ठीक है ना, मान करता हूँ ये हमारा बन गया। अब ये भी बन गया, अब हमने बनाना है ये बना लें आपकी मर्जी, ये बना लें आपकी मर्जी, डिपेंड अपॉन यू, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं जाऊँगा, सबसे पहले ये बना लेते हैं जो टेस्ट ट्यूब है, तो उसके लिए मैं भी यहाँ पे भी मैं सिलेंडर ऐड करता हूँ। शिफ्ट ए, कर्व में जाएंगे, नहीं ये सॉरी सिलेंडर नहीं सर्कल में, तो ये हमारा पहले से ही अब रेडियस जो पहले है वही आएगा, ठीक है ना। अब हम इसको ले जाते हैं जी टू मूव एक्स एक्सिस, आपने उसी हिसाब से इसको स्केल कर लेना है, स्केल लिटिल बिट स्केल अप करेंगे और थोड़ा सा जी एक्स एक्सिस मूव कर दिए, स्केल डाउन कर लेना जी टू मूव एक्स एक्सिस लिटिल बिट, तो ये हम ऊपर ले जाएंगे जी टू मूव एक्स एक्सिस, तो मैं क्या करता हूँ जी टू मूव जेड एक्सिस, ताकि यहाँ से हम ऊपर कर सकें, यहाँ बेवल कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फिल नहीं करता क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा इसका पार्ट वो होना चाहिए, तो मैं एड पे इसको सिलेक्ट करके फिल कर लूँगा, तो एक्सट्रूडन री एक्सिस करूँगा, ये यहाँ तक तो आना चाहिए, नहीं यहाँ तक करके थोड़ा सा फिर एक्सट्रूड कर देते हैं, एक्सट्रूड
एक्सेस। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा वो बैक जो स्केल कनेक्ट हूँ थोड़ा सा। अब मैं क्या करता हूँ फेस में थोड़ा सा इसको एक्सक्लूड कर दूँ ताकि ये फेस है ना ऑल्ट ये सारे फेस हो गए। मैं कहता हूँ ये एक्सट्रू नॉर्मल कर लेते हैं नॉर्मल थोड़ा सा फिर आई थिंक वो करेंगे ये हो जाएगा। क्या कहते हैं चले देखते हैं क्या कैसा बना। ठीक है ना सही। चलो देख लेते हैं इसको वो करके मॉडिफायर अप्लाई कर जाएगा। ठीक है नहीं है तो सबडिविजन मॉडिफायर आई थिंक नहीं ये ठीक नहीं है सबडिविजन निकलेगा। एक और ऐड करते हैं तो ठीक तो है भी सही नहीं भी आई थिंक नहीं है इसको रुकने करते हैं वन प्रेस करके कंट्रोल जी करते हैं कंट्रोल जी करेंगे ठीक है ना ऐसे ही ठीक है इसको वो कर लेंगे सॉलिडिफाई थोड़ा सा करके ठीक हो जाएगा। वन प्रेस किया हम चाहते हैं भाई साहब वो यहाँ पे ये जो हो रहा है ना बैक चले सॉलिडिफाई करके देखते हैं चेक करते हैं सॉलिडिफाई ज्यादा तो नहीं होगी नहीं काफी है। मैं लेता हूँ वन इसका जो नीचे वाला पोर्शन है इसको वन में जाके इसको फिल कर देता हूँ एफ करके फिल हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं बॉटम पे ये फिल हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये मुझे यहाँ पे वो हो थोड़ा सा राउंड हो तो मैं क्या करता हूँ बार सेलेक्ट करता हूँ अभी मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। ठीक है ना अब यहाँ जाते हैं मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा कंट्रोल बेवल करके राउंड कर देता हूँ। ओके यहाँ हो गया आई थिंक काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो अब हम जाते हैं ठीक है ना तो हमारे पास ये आ गया। हम टूगल एक्सपेरिमेंट से अब इसको मैं किसी स्मूथ करके थोड़ा सा नॉर्मल पे चला जाते हैं। अगर यहाँ पे अगर कुछ आए तो ठीक है नॉर्मल पे जाके ये नॉर्मल पे करते हैं तो यहाँ तो स्मूथ हो जाता है। वन तो बैठ जाते हैं उसको मैं क्या करता हूँ बिल्कुल वैसे ही रहने देते। अब ये बना लेते हैं इसका कैप के लिए भी मैं सर्कल लेता हूँ थोड़ा सा फिर उसको एक्सट्रूड कर स्केल करके बैर की तरफ आउटसाइड पे तो शिफ्ट ए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इसको सिलेक्ट करना कर्सर शिफ्ट एस करके कर्सर को सिलेक्टेड पे ले जाता हूँ। कर्सर टू सेलेक्ट शिफ्ट ए करता हूँ मैं एक ऐड करता हूँ और सर्कल तो गूगल मैप में जाता हूँ आप उसी हिसाब से जी टू वन रेड एक्सेल कर लेते हैं उसी हिसाब से आप थोड़ा सा इसको स्केल करो थोड़ा लो आप इसको जी टू फिल नहीं करना था चले हो गया जी टू फिल वैसे ही करना था। मैं क्या करता हूँ क्योंकि ये हो किया यहाँ तक लेके मैं थोड़ा सा इसको स्केल आउटसाइड करता हूँ देखिए कि फिल है या नहीं है। फिल नहीं है तो मैं क्या करता हूँ इसको ऊपर वाला फिल कर देता हूँ वन वन सॉरी करके जाते हैं दोबारा मैं जाता हूँ मैं इसको थोड़ा सा फिल कर लेता हूँ ये भी फिल हो जाएगा। अगर मैं ये वाला सर्कल वो करके आपको दिखाऊं देखिए फिल है या नहीं है ये फिल है हमारे पास तो मैं चाहता हूँ चलिए इसको थोड़ा सा शेप स्मूथ कर दें ना तो
मैं चाहता हूँ जिस तरह वो प्यारा सा यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाए। चलो पहले तो वो देख लेते हैं, सर्कल पॉइंट करते हैं, बैठ तो नहीं है, थोड़ा गैप है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको स्केल कर लेते हैं ताकि करके चाहते हैं हम ऊपर ना हो, स्केल स्केल शिफ्ट वही कर लेते हैं, बाकी सारे भी हो एक्सेल पे। तो देख लेते हैं जो भी है, जेड एक्सेल पे स्केल ना हो तो आप शिफ्ट जेड कर लेना। तो ये हो गया है, तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसकी जो ये वाले हैंडल है ये वाला बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बनाएंगे इंशाल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।